हमारे यहाँ पर बर्थडे पर लगने वाले सभी फैंसी केक मिलते हैं, जैसे कि डोल केक, डेकोर फोटो केक, एग लेस केक, वेज केक वगैरह होलसेल भाव में मिलेंगे और साथ में सभी प्रकार की आइसक्रीम भी मिलेगी। हमारा पता याद रखिए, मुस्कान बेकरी, 40 गांव रोड, महालक्ष्मी दूध डेयरी के बाजू में धुलिया। हमारे यहाँ पर होम डिलीवरी भी की जाती है। आप हमें व्हाट्सएप और कॉल भी कर सकते हैं। चौबीस तारीख पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक हंगामा मचा हुआ है। हर तरफ आंदोलन कर रही है शिवसेना पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग हैं, हर तरफ आंदोलन कर रहे हैं, हर तरफ धूम मचा के रखे हैं। इसकी सिर्फ एक वजह है कि जो बीजेपी के एक नेता है, एक अपने नारायण राणे, जो पहले कभी शिवसेना के पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते थे, शिवसेना पार्टी से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं ये, और उसके बाद इन्होंने पहले शिवसेना पार्टी छोड़ी, उसके बाद कांग्रेस में गए और कांग्रेस छोड़कर फिर वो बीजेपी में चले गए। लेकिन ये वही अपने मुख्यमंत्री रहे हुए नारायण राणे साहब ने शिवसेना के जो अभी जो अध्यक्ष है, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने उनको थप्पड़ मारने की बात कही है। तो उनके इस बयान के बाद ऐसा रिएक्शन देखने को मिला कि हर तरफ बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है, पथराव हुआ है, आपस में लड़ाई हुई है, जबकि बोलने वाला व्यक्ति एक, लेकिन यहाँ पर दोनों पक्षों के आवाम के अंदर, पब्लिक के अंदर झगड़ा हुआ है। ये जो है, तो पहले आप वीडियो में देखिए कि पहली वीडियो में हम बताएंगे कि नासिक में किस तरह झड़प हुई वहाँ के कार्यकर्ताओं में, बीजेपी और शिवसेना के, यहाँ तक के शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे तो वो बीजेपी के कार्यालय के ऊपर भी धावा बोला है। और बिल्कुल इस ही तरह महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के धुलिया शहर में भी इसी तरह दोनों पार्टियों के अंदर जो है आपस में भिड़त हुई है और वहाँ पर बड़ा गहमा गहमी का माहौल था। पुलिस भी कहीं वहाँ पर इनके बीच में, इनके मतलब जो आमने सामने में कहीं कमज़ोर दिखाई दी है, क्योंकि ये दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो हज़ारों की संख्या में थे, उनके बनिस्बत पुलिस जो दल था वो कम था, ये हिसाब से पुलिस भी कहीं ना कहीं मजबूर दिखाई दिए है। लेकिन वो ये जो है, ये नारायण राणे जो है, तो एक इतने बड़े नेता होके ऐसा बड़बोलापन कैसे कर सकते हैं, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। अभी उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने यहाँ तक के मीडिया वालों को भी बोल दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर भी FIR दर्ज करूँगा, अगर आप लोग मेरे तरफ से खबर नहीं दिखाते तो मैं आप लोगों के ऊपर भी FIR दर्ज करूँगा, मीडिया को कहा है इन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं हमने जैसा पहले हमारे बाप दादा एक मिसाल देते थे, एक मतलब कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, तो उसी तरह से ये मिसाल कहीं ना कहीं मुझे दुरुस्त होती दिखाई दे रही है कि अभी नारायण राणे साहब की गिरफ्तारी भी हुई है, अभी खबर मिली है कि नारायण राणे साहब की गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब इनका कैरियर खतरे में आ गया है, यहाँ से अब इनकी उल्टी गिनती शुरू है। तो चलो आगे चलते, हम देखते हैं कि नासिक शहर में किस तरह भिड़त हुई है शिवसेना के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, और धुलिया शहर में किस तरह की भिड़त हुई है। हम देखते हैं दोनों जगह के हालात, ताजा हालात। कुटुंब प्रमुख उद्धव ठाकरेंचा, भवानी, दीपक दीपक दीपक
आज आमचे कुटुंब प्रमुख आदरणीय उद्धव साहेब ठाकरे यांच्या विरोधात नारायण राणे यांनी जे वक्तव्य केले त्यांनी तात्काळ महाराष्ट्राची माफी मागावी अशी आम्ही सर्व शिवसैनिक विनंती करतो। आणि आज युवती सेना व युवा सेनेच्या वतीने आम्ही आज ऑफिस फोडलेलं आहे। काय काय सांगाल दगड़ देखे रे दगड़ा फेकून दगड़ा गाड़ी का जोर आ अच्छा गाजा राजे मैंने अच्छा गाजा राजे मैंने बापरे बापरे सैनिकांनी केंद्रीय मंत्री आदरणीय नारायण राणे साहेब यांची अंतयात्रा काढली ती सर्वात निषेधार्थ आहे। एका केंद्रीय मंत्र्याची अंतयात्रा काढून आणि भारतीय जनता पार्टीचं जे कार्यालय किंवा महापालिकेत जी भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आहे तिथं येऊन आम्हाला चेतवणं आणि त्यांची अंतयात्रा तिथं जाळणं हे निषेधार्थ आहे। डिपार्टमेंटच्या समोर त्यांनी एका केंद्रीय मंत्र्यांची अंतयात्रा त्या ठिकाणी काढली आणि जाळली तर यांना काय वरतूनच डिपार्टमेंटला आदेश होता का यांना अशा प्रकारे उद्योग करू द्या। आणि त्याच्यानंतर शिवसैनिकांनी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयाजवळ येऊन आणि महापालिकेजवळ येऊन जी काठी फेकल्या या दगड फेकल्या या ठिकाणी गुरु शिष्य स्मारक आहे आणि त्या काठ्या दगड त्या स्मारकाच्या वरही लागले असे हे बेफाम आणि हे गुंड प्रवृत्तीचे जे आहेत यांना शासनाने ताबडतोब अटक केली पाहिजे यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले पाहिजे। आम्ही आमच्या कार्यालयाच्या बाहेर शांतपणे बसलेलो होतो यांनी इथपर्यंत यायची गरज नव्हती यांना इथपर्यंत डिपार्टमेंटने येऊ कसं काय दिलं आज सर्वात मोठा प्रश्न आहे। आणि यांना काय वरतून सरकारने सांगितलं होतं का भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयापर्यंत तिथपर्यंत जाऊ द्या आणि कार्यकर्त्यांना मारून होऊ द्या जर एखाद्याला कमी जास्त लागलं असतं जर एखाद्याचं काही कमी जास्त झालं असतं त्याला जबाबदार कोण राहिला असता हे शासन नव्हे हे वसुली सरकार गुंडगिरीचं सरकार झालेलं आहे। आणि अशा प्रकारे दबंगशाही जर हे करत असतील तर भारतीय जनता पार्टी हातात बांगड्या घालून बसलेलं नाही त्यांना उत्तराला उत्तर देण्यासाठी आम्ही सक्षम आहोत। आणि केव्हाही त्यांना आव्हान आहे का त्यांच्यात जर ताकद असेल तर केव्हाही त्यांनी कुठेही बोलवावं भारतीय जनता पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते सज्ज आहेत एवढंच माझं